हेडलाइंस के प्रायोजक हैं निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। वसुंधरा कैबिनेट में लिए गए कई अहम फैसले। गहलोत सरकार के दौरान भूमि आवंटन की होगी समीक्षा। 11 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया जयपुर में आदर्श बाजार का अवलोकन। पूजा के बाद लाइब्रेरी और फूड कोर्ट भवन का किया शिलान्यास। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं क्लास का परिणाम आज घोषित होगा। शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ शाम 5 बजे घोषित करेंगे रिजल्ट। राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित आरपीएमटी में गड़बड़ी का मामला गरमाया। प्रदेश में कई जगह एवी बीपी के कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। परीक्षा फिर से कराने की उठाई मांग। जयपुर में दुष्कर्म से आहत नाबालिग ने खुद को किया आग के हवाले। एसएमएस अस्पताल में भर्ती पीड़ित की हालत अब पहले से बेहतर। आरोपी गिरफ्तार। प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाओं पर बोले चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर। प्रदेश में बढ़ रही घटनाओं के प्रति सरकार गंभीर। सीएम खुद कर रही है सभी मामलों की समीक्षा। और सीकर में फिर सामने आया पुलिस का अमानवीय चेहरा। पुलिस की मारपीट से हुआ महिला का गर्भपात। चोरी के मामले में पूछताछ के दौरान मारपीट का आरोप। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। वसुंधरा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जहां एक ओर गहलोत सरकार के भूमि आवंटन कार्यों की समीक्षा की जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा के बजट सत्र की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र के लिए 11 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई, जबकि 28 जुलाई तक विधायी कार्य निपटाने का फैसला लिया गया। साथ ही कैबिनेट ने भरतपुर संभाग के दौरे की तर्ज पर बीकानेर संभाग का दौरा करने का भी फैसला लिया है। इसके तहत पूरी सरकार 19 जून से 30 जून तक बीकानेर में डेरा डालेगी। पूरी सरकार भरतपुर संभाग के तर्ज पर 19 तारीख को इसी महीने की 19 तारीख से 20 तारीख तक बीकानेर संभाग में जाएगी। बीकानेर संभाग की सारी समसामयिक समस्या और दूसरी सारी सही जानकारी सरकार प्राप्त करेगी। वहीं भू आवंटन मामले में कैबिनेट ने सब कैबिनेट कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी है, जिससे तय हो गया है कि गहलोत सरकार के आखिरी वक्त में किए गए भू आवंटन पर तत्काल रोक लग जाएगी। साथ ही अन्य भू आवंटनों की भी समीक्षा की जाएगी। सरकार ने कैबिनेट में श्रम कानून में भी संशोधन को हरी झंडी दी है। इसके साथ ही सरकार ने गोल मार्केट जैसी कई योजनाओं को भी फिलहाल रोक दिया है। संस्थाओं को गुणा अवगुण के आधार पर भू आवंटन का काम करेंगे और उसके अंदर पिछली सरकार ने जो 6 महीने के अंदर जो भू आवंटन किए थे, जिनका कब्जा सौंपा नहीं गया था, उन सारे मामलों को भी उसी नीति के अनुसार उनको देखा जाएगा। गहलोत सरकार के कई फैसलों को वसुंधरा सरकार लगातार पलटती और समीक्षा के नाम पर रोकती जा रही है। मतलब साफ है कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में बनी योजनाओं पर मौजूदा सरकार पैसा खर्च नहीं करना चाहती, क्योंकि राजनीति में काम का क्रेडिट भी मायने रखता है। न्यूज इंडिया के लिए कैमरामैन केदार शर्मा के साथ नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हेरिटेज लुक और जयपुरी गुलाबी रंग के साथ आदर्श बाजार के रूप में तब्दील किए गए बरकत नगर बाजार का मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अवलोकन किया। साथ ही लाइब्रेरी और फूड कोर्ट भवन का शिलान्यास भी किया। शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने मंच से घोषणा की कि लाइब्रेरी भवन में 1 करोड़ रुपए की पुस्तकें सरकार की ओर से खरीद कर रखी जाएंगी, जिससे क्षेत्र में रह रहे पढ़ाई कर रहे हजारों युवाओं को राहत मिल सके। उनके लिए फूड कोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है। मैं
गुप्ता जी, कालीचरण जी, सीईओ को, सबको, पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ऐसी कल्पना की और ऐसे कल्पना करके इतने जोरदार तरीके से यहाँ काम करके सबको दिखाया कि सरकार भी काम कर सकती है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसी कल्पना जिसके अंदर मॉडर्न और हेरिटेज ये दोनों चीज को मिलाने का काम आप लोगों ने किया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं परीक्षा का परिणाम आज जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ शिक्षा संकुल में शाम 5 बजे परिणाम घोषित करेंगे। इस परीक्षा में कुल 11,41,613 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 11,04,326 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। बोर्ड का यह परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा, जबकि मार्कशीट की प्रतिलिपि बोर्ड के संभाग मुख्यालयों पर स्थित विद्यार्थी सेवा केंद्रों से शनिवार से प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित की गई आरपीएमटी में परीक्षा में गड़बड़ी का मामला गर्माता जा रहा है। खासतौर पर एवीवीपी ने इसे लेकर तीखे तेवर अपना रखे हैं। एवीवीपी के कार्यकर्ताओं ने राजधानी जयपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति राजा बाबू पंवार का पुतला फूका और मांग की कि परीक्षा संयोजक और कुलपति को निलंबित करने के साथ ही परीक्षा वापस करवाई जाए। वहीं कोटा में भी परीक्षा वापस करवाने की मांग पर एवीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मांग की। इसके अलावा अजमेर में भी एवीपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि आरपीएमटी की परीक्षा में 104 सवालों में गलतियां पाई गई, जिसके बाद रिवाइज्ड आंसर की जारी भी की गई थी, लेकिन उसमें भी 30 से अधिक गलतियां मिलने पर परीक्षा पर सवाल उठने लगे थे। राजधानी जयपुर के महेश नगर इलाके में स्वेज फॉर्म में दुष्कर्म किए जाने के बाद आत्मदाह करने वाली नाबालिग लड़की की हालत अब खतरे से बाहर है। पीड़ित लड़की का सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दुष्कर्म करने वाले आरोपी मनीष और उसके एक साथी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल वाले मकान के पास रहने वाले लोगों और लड़की के बयान भी लिए हैं। आपको बता दें कि नाबालिग बच्ची अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रही थी और आरोपी मनीष अलवर जिले का रहने वाला है और वो आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली कंपनी में बतौर एमआर काम करता है। एक नाबालिग बालिका ने जो जली हुई अवस्था में एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, पुलिस को और मजिस्ट्रेट महोदय को दिए गए अपने बयान में बताया कि एक लड़के ने उसके साथ में दुष्कर्म किया और इसी वजह से उसने स्वयं पर केरोसिन डालकर अपने आप को आग लगा ली है। इस पर पुलिस ने लड़के को उसने नामजद किया था, लड़के को हमने अरेस्ट कर लिया है। एक अन्य लड़का जो दुष्कर्म होते हुए उसने उनको देख लिया था बाहर रोशनदान से, उसको भी हमने अरेस्ट किया है। राजधानी जयपुर के ज्योतिनगर थाना इलाके में विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता दौसा की रहने वाली बताई जा रही है, जिसे रामराज नाम का एक शख्स जबरन अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान रामराज ने उसकी एक अश्लील सीडी भी बना ली, जिसके जरिए पीड़िता को ब्लैकमेल कर अपने एक दोस्त के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सीकर जिले के नीम का थाना पुलिस पर एक गर्भवती महिला के घर में घुसकर जांच के नाम पर बेरहमी से पिटाई करने के आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार चौखड़ा निवासी पीड़िता की सास भवरी देवी ने नीम का थाना में मामला दर्ज करवाया और गोविंदगढ़ और सदर थाना पुलिस ने उसके घर में घुसकर उसके गर्भवती बहू से जाँच के नाम पर मारपीट की और उसके पेट भर भी लाते मारे, जिससे उसकी बहू गुलाबी का गर्भपात हो गया। बहरहाल पीड़िता को नीम का थाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में मृत भ्रूण का पोस्टमार्टम करवाते हुए जांच की बात कही है। आपको बता दें कि पीड़िता का पति चोरी के एक मामले में वांछित था, जिसके तलाश करने पुलिस पीड़िता के घर पहुंची थी। दवाई कर दी है, नीम का थाना आ गई थी। मेरे पीछे से पुलिस गई काल के 10 बजे,
सरदार मेरे मकान के कुआड़ तोड़ बल आ गया था ना मेरा बेटा की वो बोले बोला कुआड़ मत तोड़ो तो साहब उसको नीचे पटक के उसके ठोकर मारी ठोकर मार के उसके पैरदारी होगी उसका बालक भी गिर चुका तो साहब पुलिस वहाँ से छोड़ कर बैठी उस पर अभियोग दर्ज कर लिया। वैसे जो रोजनामचे में जो वापसी में रिपोर्ट डाली है उसमें ऐसी कोई घटना मार पिटाई नहीं हुई है, फिर भी इसका अभियोग दर्ज करके जांच इसकी महिला की भी जांच करवाई है जी महिला की भी जांच करवाई है पोस्टमार्टम भी करवाया। राजस्थान में लगातार हो रही दुष्कर्म की घटनाओं पर चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि सरकार प्रदेश में बढ़ रही घटनाओं के प्रति गंभीर है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद सभी मामलों की समीक्षा कर रही हैं, अपराधियों की धरपकड़ की जा रही और पीड़ित परिवार वालों के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है। उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि प्रदेश में बढ़ रही अपराधों और घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। जितनी भी घटनाएं इस सरकार बनने के बाद घटित हुई है उसमें अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, पीड़िता को आवश्यक मुआवजा दिया गया है और प्रत्येक मामले पर मुख्यमंत्री जी के स्तर पर समीक्षा हो रही है। ये सारे मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। कोई बीमार होकर जब अस्पताल पहुंचे और उसे अस्पताल भी बीमार मिले तो जरा सोचिए उस बीमार की हालत क्या होगी। इतना ही नहीं, जब उसे देखने वाला डॉक्टर तक ना हो वहां तो कैसा लगेगा। लेकिन डीडवाना के राजकीय अस्पताल में आजकल हालात कुछ ऐसे ही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। अस्पताल में भीड़ का ये आलम देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि डीडवाना में अस्पताल की किस कदर जरूरत है। लेकिन डीडवाना में स्थित राजकीय चिकित्सालय जो कहने को 150 बेडेड जिला स्तरीय अस्पताल है, परंतु वास्तव में यहाँ सेवाओं के नाम पर मरीजों के साथ मात्र खिलवाड़ हो रहा है। भीड़ को नियंत्रित करने का कोई ना उपाय है और ना ही उन्हें कोई जवाब देने वाला। कुल मिला के कम से कम 32 पोस्ट उपलब्ध होने चाहिए। वर्तमान में है कितनी? वर्तमान में इस चिकित्सालय में 15 चिकित्सकों की पोस्ट उपलब्ध है। राज्य सरकार को इस बारे में लिख करके दिया हुआ है और शीघ्र ही यहाँ पे और एमओ लग जाएंगे तो मानव चिकित्सालय में 24 घंटे एक न एक मेडिकल ऑफिसर एमरजेंसी में उपलब्ध कराया जा सकेगा। अस्पताल की दयनीय स्थिति का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि स्वयं पीएमओ डॉक्टर बीएस राठौड़ कबूल रहे हैं कि यहां 36 डॉक्टर होने चाहिए जबकि मात्र 15 डॉक्टर हैं। सरकारी अनदेखी का नमूना इससे बड़ा और नहीं हो सकता कि यहां बेड तो 50 बढ़ा दिए गए पर डॉक्टर का पद एक भी नहीं बढ़ाया गया। यहां पे कोई भी संतुष्ट नहीं है, मरीज बेचारे इधर उधर फिर रहे हैं, डॉक्टर लापरवाही बरत रहे हैं, डॉक्टर टाइम पर समय पर आ भी नहीं रहे हैं, डॉक्टरों की फुल कमी है। यहां पे 2-4 डॉक्टर हैं, 2-4 छुट्टी पर चल रहे हैं। जिला बनने की अग्रिम पंक्ति में खड़े इस नगर का इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता, जहां एक विधायक सरकार में कबीना मंत्री हो और उसके क्षेत्र के लोगों को बीमारी की हालत में दर दर भटकने पड़े। बहरहाल लोग लंबे समय से यहां ब्लड बैंक और अन्य सेवाओं के विस्तार की मांग लगातार उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई मेहरबानी डीडवाना के लोगों पर नहीं की गई है। न्यूज इंडिया के लिए डीडवाना से अबरार अली की रिपोर्ट। तो यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हूं। We'll be right back.